हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का छठे दिन सत्ता पक्ष द्वारा लाए गए स्टाम्प संशोधन विधेयक पर सदन में खूब हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 10 गुना वृद्धि के साथ सदन में स्टाम्प संशोधन विधेयक लाया, जिसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा। और जब बिल को प्रस्तुत किया गया तो सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं था, लेकिन सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए बिल को पास किया है, जिसका विपक्ष ने विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब बिल लाया गया तो कांग्रेस के 17 और बीजेपी के 19 विधायक सदन में थे, इसलिए बहुमत विपक्ष के पास था और बिल अपने आप ही गिर गया। लेकिन लोकतंत्र की हत्या करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बिल पर दूसरी बार वोटिंग करवाई, जो कि नियम के खिलाफ है। बिल में 10 गुना स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई गई है, जो आम आदमी पर बोझ डालेगी। डिस्कस हुआ और डिस्कस होने के पश्चात हमने अपनी अमेंडमेंट मूव की हुई थी, हमारे रणधीर शर्मा जी ने मूव की हुई थी, और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी में जो इंक्रीज थे वो 10 टाइम्स थे, यानी कि 100 रुपए से सीधा उसको 1000 रुपए तक ले जा रहे हैं। और उसके बाद दूसरी भी और बहुत सारी इंक्रीजेज उसमें थी। उसमें हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद गरीब लोगों के ऊपर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी लगभग 7.25 रुपए, आपने बिजली का टैरिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बढ़ा दिया, आपने हर चीज को लेकर के आपने सीमेंट की कीमतें एक बार नहीं सरकार आने के बाद 2 बार बढ़ गई, और ऐसे में लगातार ये बोझ गरीब जनता के ऊपर जा रहा है। इसलिए ये और जो बोझ जो स्टैम्प ड्यूटी के माध्यम से ये इंक्रीज बहुत ज्यादा है, एग्जॉर्बिटेंट है। हम कह रहे थे इस इंक्रीज को 5% से ऊपर तो कभी लेते नहीं है, 10% की इंक्रीज एकदम की जा रही है। इसलिए हमने कहा कि इसका हम विरोध करते हैं। और अभी उसके बाद फिर जब इंट्रोड्यूस हुआ बिल, मुख्यमंत्री जी ने अमेंडमेंट के लिए कहा कि जो महिलाओं के लिए जो एक कैटेगरी पहले बनाई थी, पहले 50-50 लाख की थी, वो उसको बढ़ा करके उसको 80 लाख रुपए किया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राजस्व विभाग ने कई वर्षों बाद सरकार ने बदलाव के लिए काम किया है, जिससे लोगों के जमीन से संबंधित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। ऐसे में भू राजस्व संशोधन और स्टाम्प संशोधन विधेयक बिल भी सेब की भांति राजस्व विभाग में मील का पत्थर साबित होगा। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। नेगी के हिसाब से ये ठीक है कि 10 गुने तक बढ़ा है, परंतु 10 सालों में ये पहले जो 10 सालों बाद हुआ है। और आप जानते हैं कि ज्यादातर स्टैम्प ड्यूटी जो है, जो कारोबारी हैं, जो लैंड का खरीद फरोख्त करते हैं, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर हमारे किसान और बागवान जो है, मध्यम जो है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनका इतना ज़्यादा जो है लेन देन जो है कारोबार नहीं होता है। तो ये एक जो है सीमित लोग ही इसका जो है ज़्यादातर जो है इस काम में होते हैं। महंगाई का बोझ जो है 9 साल से हमारी NDA सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने डाला है। हर रोज पेट्रोल का दाम बढ़ाते बढ़ाते 100 से ऊपर डीजल और पेट्रोल को ले गए, सीमेंट को ले गए, इस तरह सरिया को ले गए, देश के अंदर LPG जो 400 रुपए था किसी समय 1200 तक ले गए। तो महंगाई तो जो है केंद्र सरकार के नीतियों के कारण जो है बढ़ा है।